14 साल के बच्चे का चार्ट है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ता नहीं है, और पढ़ता नहीं है मतलब थोड़ा सा शार्प है बट डजंट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज, कोई दिल नहीं है, ज़बरदस्ती बिठा लो तो याद नहीं रखता, एग्ज़ाम्स में हाल बुरे हाल थे. सो कंसर्न थोड़ा ज़्यादा था. शुक्र 8 है, 7 में 4 है, तो एजुकेशन से दिखा रहा है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम. सैटर्न का सोर्स 1-5 है, सो खेलने में इंटरेस्ट है, जिसका रिजल्ट है कि पढ़ेगा कम, पर जितना पढ़ेगा उतने में तो ठीक करे, दैट इज़ द इंटेंशन. एडीएल में सब लॉर्ड का जो स्टार है बुध 868, एडीएल में राहु 3 इज नेगेटिंग द एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन 4. अब फॉर वट एवर रीजन स्कूल छोड़ के तो घर पे बैठा नहीं है तो पढ़ने जाता है पर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में. सो और जो पढ़ा उसमें याद रखने की कोई इच्छा नहीं है, तो देर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम रिमेंबरिंग वट इज लर्निंग. इंटरेस्ट कम है एग्रीड, पर जितनी देर पढ़ेगा उतनी देर तो ठीक करे. सो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट कौन सा दिख रहा है इन दो चीज़ों में. सो ये रेमेडी 2-2.5 महीने करी गई, और 2-2.5 महीने बाद फीडबैक ये है कि स्कूल से ऐसी फीडबैक जिंदगी में पहली बार मिली है एंड इट इज़ कंसिस्टेंट. रात को 9:20 पे फ़ोन आया मेरे पास कि हमारे पास कोई गवर्नमेंटल इंक्वायरी आ गई है एंड गवर्नमेंटल इंक्वायरी इज़ आस्किंग फॉर सम डॉक्यूमेंटेशन. हमने किसी 5-6 साल पहले किसी को सामान दिया, अब वो बाई चांस उसकी रिसीट चाहिए, ओरिजिनल रिसीट. और बाई चांस फैक्ट्री में कुछ साल पहले आग लगी थी, तो एक बोरी जो जली वो वही साल की बोरी थी जिसकी रिसीट चाहिए. एंड दिस दे हैव बीन सर्चिंग फॉर दैट एविडेंस फॉर लास्ट 10 डेज एक्चुअली. कुछ नहीं मिला, सब कुछ कर लिया जो पॉसिबल था इनके दिमाग में था. कहते क्या लगता है क्या हुआ, क्वेश्चन ये था. तो मैंने बर्थ चार्ट तो मेरे पास था पर मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने सीधा प्रश्न चार्ट लगाया पहले. दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर ये इंक्वायरी चली तो हमारे काम पे बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि प्रश्न चार्ट के हिसाब से देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल जो हो सकती है, पर सिंस देर इज़ एन इंक्वायरी अब कुछ तो करना ही पड़ेगा. मैं आपको ये बोल दूँ कि आप कुछ मत कीजिए, इंक्वायरी तो आ गई. दिस फोन वॉज ऑन सैटरडे और उन्होंने मुझे बोला कि हमारी जो इंक्वायरी की जो मीटिंग है वो ट्यूसडे को है, दे वर 3 डेज ओनली. फिर अब देखते हैं सेकेंड वन, बस चार्ट. प्रश्न चार्ट एटलीस्ट सेज की कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. बर्थ चार्ट के हिसाब से व्हाट इज द एमडीएल, सो इट इज मंगल. मंगल में शुक्र, बिल्कुल ठीक है जी. अब इसके हिसाब से मंगल और शुक्र एमडीएल एडीएल के हिसाब से कौन सा प्लेनेट है, मैंने इनको सिर्फ इतना बोला कि आप सुबह शाम 2 डोनेशन करो. संडे सुबह उन्होंने पहली डोनेशन करी, 3 बजे मेरे पास मैसेज आता है और डॉक्यूमेंट मिल गए. मुझे नहीं पता कहाँ से मिले, उनको भी नहीं पता कहाँ से मिले, पर उनको मिल गए. केस 3, ये एस्ट्रो वास्तु केस है एक्चुअली. इसमें चार्ट देख के मैंने उनकी वास्तु रेमेडी हटवाई थी जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई. तो वास्तु क्या हुआ है, सब कुछ सेट था, काम रिलेशंस के लिए करा था वास्तु, जो भी थी वास्तु की प्रॉब्लम. खैर वास्तु मैंने नहीं करा, मेरे फ्रेंड ने करा था एंड ही आस्क्ड मी फॉर कंसल्टेंसी ऑन एस्ट्रो ऑन द सेम केस. अगेन प्रॉब्लम इज रिलेशंस. अब रेमेडी लगा रखी थी लव बर्ड्स इन साउथ वेस्ट, मैंने उनको बोला कि अब लव बर्ड हटा दो, तो उन्होंने कहा कि लव बर्ड लगाने के बाद रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आई थी तो मे बी वी शुड कीप इट. मैंने कहा इसको फिलहाल तो हटा दो, महीने बाद दोबारा देख लेंगे रखना है कि नहीं रखना. उन्होंने लव बर्ड हटाए हैं, 15 दिन बाद वो एंड ही माई फ्रेंड कॉल्ड अप एंड सेड कि इनके ना फैमिली मेम्बर से रिलेशन बहुत ख़राब थे. ये लेडी का चार्ट है, तो इनके अपनी साइड पे फैमिली मेम्बर से रिलेशन ऐसे ख़राब थे, कई सालों से बातचीत नहीं थी. तो उनके घर डिनर पे आ रहे हैं आज, और वो लेडी का मैसेज था मेरे फ्रेंड को कि ये मिरेकल है हमारे लिए कि जो बात भी नहीं करते थे वो सडनली बोलते हैं कि हम आपके घर पे आएंगे. तो इन्होंने इन्वाइट नहीं करा, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं.